3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम। ACB यानी एशिया सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग जो आपके लिए ला रहा है गिव एंड टेक विद हसान खान, एक ऐसा मुनफरिद शो जो कि आपको बताएगा हालिया हालात और उन हालात से जुड़ी प्रॉब्लम्स। और यकीनन इस शो के तवस्सुस से हम बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को आपसे मिलवाने वाले हैं। इस शो के अंदर हम आपको मुख्तलिफ गेस्ट से मिलवाएंगे और बात करेंगे मज़े मज़े की। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले गेस्ट की तरफ जिन्होंने पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे काम किए, आजकल बीइंग सोशल एक्टिविस्ट भी काम कर रही हैं। कई ड्रामास जो कि इनके होने से बेतहाशा हिट हुए, बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं, बहुत प्यारी इंसान हैं और आज हमारे दरमियान हैं। आज इनसे हम बातें करेंगे, बहुत मज़े मज़े की और बहुत इन्फॉर्मेटिव है, नाम शोर आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलते हैं हमारी प्यारी गेस्ट सबाहत बुखारी जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सबाहत जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम हसन, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी खूबसूरत बातें की, कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इंडस्ट्री में एक बड़ा अमूमी रवैया सामने आता है और सुनने में ये बात आती है कि इस काम में आने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर एक बड़ा अहम नुकता है कास्टिंग काउच का। ये कास्टिंग काउच क्या है बेसिकली, क्या ये अब भी हो रहा है और हो रहा है तो ये किस नौयत का होगा? ये सवाल मेरा आपसे इन जर्नल है, इस सवाल का आपसे हरगिज कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि आप मेरे उस्तादों में से हैं लेकिन ये सवाल मैं फिर भी आपसे करना चाहूँगा। अच्छा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इट वाज अ वेरी बोल्ड क्वेश्चन और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, सो मैं थोड़ा सा आई एम रियली शॉक्ड। और हमें ये भी नहीं पता कि हम अगर आप इतना बोल्ड सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब किस हद तक बोल्ड हो सकता है। एनीवेज, आपने पूछा कास्टिंग काउच, तो कास्टिंग काउच जो है वो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इंटरनेशनली भी, आप हॉलीवुड में भी, आप बॉलीवुड में भी और लॉलीवुड में भी और हमारा जो टीवी स्क्रीन है उसमें भी, इट्स एवरीवेयर, ठीक है। और क्योंकि अच्छे बुरे इंसान हर जगह पे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस एक प्रोसेस से या इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट लेकिन होता है। जिस तरह के कास्टिंग काउच के मामलात आप बता चुकी हैं कि वो अब भी हो रहे हैं और हसन, ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं हुई और मेरे ख्याल से कभी ख़त्म हो भी नहीं सकती, क्योंकि फरिश्ता तो कोई भी नहीं है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि कास्टिंग काउच के साथ साथ आजकल एक नई चीज़ देखने में आई है विच इज़ मी टू। ये मी टू मूवमेंट जो कि आजकल ना सिर्फ ख्वातीन बल्कि मर्दों में भी देखी जा रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मी टू की बात है तो मी टू के बहुत सारे जो क्या कहना चाहिए, जो इस चीज़ से जो गुजरे हैं वो मर्द हजरात भी गुजरे हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं मी टू से। तो ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ ख्वातीन के लिए है, मर्द हजरात को भी इससे गुजरना पड़ा। और मैंने पहले भी कहा कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है लेकिन नॉर्मल शायद नहीं हो, लेकिन होता है, दुनिया में हर जगह पर हो रहा है और मेरे ख्याल में होता रहेगा, हम इसे किसी सूरत ख़त्म नहीं कर सकते। सुभाष जी, जैसे कि आप जानती हैं कि हमारी इंडस्ट्री में आजकल जो रिवाइवल आया है वो बाहर की फॉरेन इंडस्ट्रीज़ का एक इंस्पिरेशन है, मीन्स के बहुत सारा काम जो यहाँ हो रहा है, जो ड्रामाज हो रहे हैं या किसी भी मीडिया रिलेटेड चीज़ को हम बात कर लेते हैं तो वो हमारा फॉरेन कंटेंट की इंस्पिरेशन है, मींस कॉपी पेस्टिंग। वही कॉपी पेस्टिंग अवार्ड शोज में भी देखी जा रही है कि लोग आ रहे हैं और सारा फॉरेन कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हालिया आपकी नज़र से गुजरा होगा, किसिंग और हगिंग के कुछ इवेंट्स हमारे इंडस्ट्री के अंदर हुए, तो आप इस पर क्या बात करना चाहेंगे? अच्छा, उसमें सबसे पहली बात यह है सान के हमारा जो मीडिया है हम इसे इंडस्ट्री नहीं कह सकते, ठीक है, हम एक काम बस कर रहे हैं, जो भी
अंडर द सिचुएशन हो रहा है और हम उन सारी सिचुएशंस में रहते हुए भी लोगों की को कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो कॉपी करने के लिए अकल की ज़रूरत होती है और वो हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो बस हम जब भेड़ चाल की तरफ शुरू होते हैं तो उसमें फिर ऑब्वियसली जो क्वालिटी है वो बहुत सफर करती है। यानी चाइना वाले किसेस और हग्स हम किसी अवार्ड शो में दे सकते हैं, आपके कहने का मकसद ये? बिल्कुल गलत चीज़ है ये, क्योंकि मेरा ख्याल में कि इतना पब्लिकली हमें इतना अभी हमारा हमारी जो सोसाइटी है वो इतना हमें इजाज़त नहीं देती कि इस तरह की चीज़ें हम कर सकें। और खासतौर पे जहाँ आपके सीनियर्स भी मौजूद हों, आपके सब लोग, तो हम कुछ गलत रविश की तरफ चल पड़े हैं और शायद वही बात कि हम अपने जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरा मीडिया हमारे पर बहुत हावी है, तो उससे हम जब कॉपी करते हैं तो फिर हम इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो कि बेवकूफ़ी भी है। और अगर आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है किसी के साथ तो उसे आपको पर्सनल ही रखना चाहिए, उसको आप इतना ज़्यादा पब्लिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि क्या इस काम में फ्लर्ट करना जायज़ है? जायज़? बड़ा अच्छा वर्ड है, जायज़। फ्लर्ट करना जायज़ तो बहरहाल कहीं भी नहीं है, नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये है कि फ्लर्ट होता है, और हम लोग फ्लर्ट शायद इसलिए भी करते हैं कि एक एटमॉस्फेयर फ्रेंडली हो सके। हाँ, मतलब भी मैटर करता है, लेकिन फ्लर्ट का बहुत सारे तरीके हैं और उसके बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ फ्लर्ट्स होते हैं जो बहुत ही फजूल होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, और जिससे आप किसी को मतलब कोई इस चीज़ को काफ़ी बुरा भी समझ रहा होता है, लेकिन बहुत सारे फ्लर्ट्स बड़े क्यूट होते हैं, बड़े क्यूट होते हैं, लेकिन हाँ। एक फ्लर्ट थोड़ा प्रोडक्टिव भी होता है कि ताकि अगला काम के लिए भी लाइनें लोग क्लियर करते हैं, जिसमें फ्लर्ट का एक एलिमेंट ये भी होता है। हाँ, वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ आने वाले जो जनरेशन, जो हमारे न्यू एक्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं या जो इस काम के अंदर मेरी तरह सर्वाइव कर रहे हैं, जिन्हें इंस्टीट्यूशंस नहीं मिले और इंस्टीट्यूशंस आप जैसे लोग फॉर्चुनेटली और लकीली मिले, तो उनके लिए कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगी? हसान, इंस्टीट्यूशन की जहाँ तक बात है तो हमारे मुल्क में तो कभी भी इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। हमारा जो इंस्टीट्यूट था वो PTV ही था और आई थिंक अभी भी PTV ही है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो नॉर्म्स जो 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 भी चीज़ें PTV के ज़माने में सेट हुई, जिस तरह से एक रिस्पेक्टेबल वे में काम किया जाता था, जिस तरह सीनियर्स की रिस्पेक्ट होती थी, जिस तरह डायलॉग डिलीवरी होती थी, जिस तरह आपको कैमरा फेसिंग बताई जाती थी, तो वो सारी चीज़ें हमने PTV से ही सीखी हैं। और मैं समझती हूँ कि उससे बेहतर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में और कोई नहीं हो सकता। लेकिन जो आपने नए आने वाले लोगों की बात की है, तो नए आने वाले लोग जो हैं वो अगर आप बाहर से पढ़ के आते हैं उसमें आप बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, लेकिन फिर भी आपको जब इस एटमॉस्फेयर में काम करना पड़ता है तो वो सारी चीज़ें फिर कहीं एक तरफ रह जाती हैं। फिर आपको यहाँ के माहौल के मुताबिक काम करना होता है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसी को आपको लेकर चलना होता है। तो सीखना बहुत अच्छी बात है और आप सारी ज़िंदगी सीखते हैं। हमने अपने सीनियर्स से सीखा, लेकिन आजकल के बच्चों में इतना पेशेंस नहीं है, ना ही वो ये समझते हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो ये समझते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया है, बिहेवियर इशू है। हाँ, तो वो एक एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है जो कि बहुत गलत है, क्योंकि जब आप में मैं आ जाती है किसी भी काम में तो वहाँ आपकी डेथ हो जाती है, मतलब वो काम फिर आगे नहीं बढ़ सकता। तो अपने अंदर से मैं जो है वो ख़त्म करनी सबसे पहला बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। और दूसरा ये कि रिस्पेक्ट, सीनियर्स की रिस्पेक्ट, और अगर वो कभी आपको ऑन सेट कोई भी चीज़ सिखा रहे हों या बता रहे हों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, जिनमें आप भी हैं, जिनमें और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ जो अब आपके बाद वाली जो नस्ल है ना, उनमें टॉलरेंस बहुत कम है,
तो उन बच्चों के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बेटा जिंदगी जो है वो सीखने का नाम है और सारी जिंदगी आप सीखते हैं, हम अभी तक सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, और कभी भी कोई इंसान कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता, मरते दम तक इंसान अपनी एक एक छोटी छोटी चीज़ से, अपनी सराउंडिंग्स में जो भी हो रही होती हैं उनसे बहुत कुछ सीखता है, और जब आप सीखते हैं और सीखने के अमल से गुजरते हैं तभी आप में मैच्योरिटी आती है। और साथ ही साथ एक सवाल आपके जाने से पहले मैं खुद के लिए करूँगा कि ये कीमिया मुझे समझ में नहीं आ पाया कि ये ए बी और सी क्लास के एक्टर्स का क्या क्राइटेरिया है। मैं एक सी या डी क्लास का एक्टर हूँ तो मेरी जर्नी ए क्लास तक पहुँचने के लिए वो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसे मुझे मीट करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम श्योर मैं किसी डायरेक्टर का या एक्टर का बेटा नहीं हूँ, कोई प्रोड्यूसर मेरी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता और मेरी कोई ख़ास एसोसिएशन नहीं है, कोई फैमिली इन्फ्लुएंस नहीं है। तो मुझ जैसे इंसान के लिए इस काम में सर्वाइव करना और उस एज तक पहुँचना ये कैसे मुमकिन है? देखिए, मैं इन सारी क्लासेस के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। हमारी कुछ एक बदकिस्मती ये रही है कि हमारी जो एलीट क्लास जो है जब वो किसी का हाथ पकड़ लेती है, या जो हमारे अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग के जो लोग हैं वो जब किसी के सर पे हाथ रख देते हैं या बहुत ज़्यादा उसको कमर्शियल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, तो उस एक्टर को ए और बी में काउंट करना। क्या मैं इसको लॉबी का नाम दे दूं? जी, तो हमारे यहाँ लॉबी इतनी ज़्यादा है कि जो हमारे चापलूसी करेगा वो ए और बी में जा सकता है, और जो चापलूसी नहीं करेगा, जो बटरिंग नहीं करेगा, जो आपकी गुलामों की तरह आपकी हर बात नहीं मानेगा, वो जो है उसको आप बहुत सारी और क्लासेस में उसको आप रख सकते हैं। तो जब तक ये चापलूसी रहेगी तब तक ये सारी चीज़ें, ये जो डिफरेंसेस हैं वो रहेंगे, और चापलूसी जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि बड़े बड़े नाम जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी और अपने करियर का आगाज़ पीटीवी से किया वो भी अब इस मैकेनिज्म का हिस्सा बन गए हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती वाली बात है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन शायद ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही चलेगा। थैंक यू सो मच, ये एडवाइस मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। थैंक यू सबाहत जी वंस अगेन, और जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आई हमारे दरमियान में और हमसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें की। इस मीडिया के पीछे भी एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है जिसे आप तक लाना बहुत ज़रूरी था। व्यूवर्स, आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये प्रोग्राम और ये सेगमेंट, और जिसके अंदर हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें की। चैनल को ज्वाइन करने के लिए ACB एशिया सेंट्रल ब्रॉडकास्ट .com के पेज पर जाना ना भूलिए, और YouTube पे हमारा पेज है जिसका सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट शो। Take care. Bye-bye. Subscribe, like, and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos.